हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं डिटेल शेयर करने जा रहा हूँ वर्लपूल कंपनी की रिसेंटली लॉन्च की गई 235 लीटर्स की डबल डोर रेफ्रिजरेटर के बारे में। इस फ्रिज की डिज़ाइन एंड पैटर्न बहुत अट्रैक्टिव दिख रही है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं एक नए फ्रिज के मॉडल के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं इसके बॉक्स पर प्रोवाइड की गई डिटेल्स को। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फ्रिज की स्पेसिफिकेशंस को। इसकी कैपेसिटी है 235 लीटर्स की और इसकी वोल्टेज है 135 एंड 180 वाट्स। 230 वोल्ट्स की ज़रूरत होती है इस फ्रिज को ऑपरेट करने के लिए। और इस फ्रिज की डायमेंशंस भी यहाँ पे दी गई है जो कि इंपॉर्टेंट है। फ्रिज की MRP है 36,950 रुपीज़ और इसकी रिटेल प्राइस वैरी करती है डिपेंडिंग ऑन रिटेलर्स स्कीम। मैं बेस्ट प्राइस का बाय लिंक वीडियो को ये डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा और आप इस फ्रिज को ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फ्रिज की स्टार रेटिंग है 2 स्टार। ये 1 ईयर में अप्रॉक्स 271 पावर यूनिट्स कंज्यूम करती है। यहाँ पे QR कोड को देखा जा सकता है जिसे स्कैन करके आप इसकी डिटेल्स को जान सकते हैं। इसमें लगा है इंटेलिजेंस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और इस पर मिलती है हमें 1 ईयर की वारंटी और इसके कंप्रेसर पर मिलती है हमें 10 ईयर्स की वारंटी। इसमें प्रोवाइड किया गया है डिजिटल टच कंट्रोल पैनल और इस कंट्रोल पैनल की मदद से आप फ्रिज के टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड वाले पैनल से आप फ्रिज को और राइट वाले साइड से आप फ्रीजर के टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। आइए अब इस फ्रिज के सारे साइड्स को क्लोजली देख लेते हैं। यह है इसका फ्रंट व्यू और इसकी डिज़ाइन एंड कलर वाकई में बहुत अट्रैक्टिव दिख रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉटम में इसका कंप्रेसर यूनिट सेट किया गया है। फ्रिज को सारे साइड से देखने के बाद आइए अब इसे ओपन करते हैं और देखते हैं इसके इनसाइड व्यू को। फ्रिज को ओपन करने के बाद यह है इसके इनसाइड व्यू का फर्स्ट इंप्रेशन। आइए सबसे पहले देखते हैं इसके फ्रीजर सेक्शन को। कन्वर्टेबल फ्रीजर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक शेल्फ दिया गया है। टफन ग्लास का बना हुआ शेल्फ है और कुछ इस तरह से आप इसे वापस से सेट कर सकते हैं। इस फ्रिज की सारी कंपोनेंट्स डिटैच हो जाती है और क्लीन करके वापस इसे आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप रैक को भी आप दोनों साइड से अगर पुश करेंगे तो कुछ इस तरह से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद आप क्लीन करके वापस से कुछ इस तरह से पुश करके इसे सेट कर दें। और यह इसका फ्रिज सेक्शन। सबसे पहले आपको चिलर ट्रे दिखता है। चिलर ट्रे स्लाइड होके कुछ इस तरह से बाहर निकल जाता है। चिलर ट्रे में हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स रखते हैं। इसमें भी टफन ग्लास यूज़ किया गया है और स्लाइडर दिया गया है। उसके बाद फ्रिज में दो शेल्फ दिया गया है। शेल्फ को कुछ इस तरह से डिटैच कर सकते हैं और इसकी सारी शेल्फ टफन ग्लास की बनी हुई है। और यह है इसका क्लोज व्यू। शेल्फ को सेट करने के लिए आप इसके किसी भी स्लॉट में सेट कर सकते हैं। जैसे भी यूटेंसिल्स हो उसके अकॉर्डिंग आप शेल्फ के साइज को एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से।
वेजिटेबल बॉक्स के ऊपर एक कवर दिया गया है जो प्लास्टिक की मटेरियल है, कुछ इस तरह से वो स्लाइड होकर बाहर निकल जाती है। और मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए एक स्विच दिया गया है, कुछ इस तरह से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। बैक साइड में एक हनी कॉम्ब पैटर्न है जो हेल्प करता है इसके मॉइस्चर को अच्छी तरह से मेंटेन रखने में। और ये इस फ्रिज का वेजिटेबल एंड फ्रूट बॉक्स, होल्ड करने के लिए अच्छी ग्रिप प्रोवाइड की गई है। इस बॉक्स में आप फ्रूट एंड वेजिटेबल्स रख सकते हैं। यह इसका क्लोज व्यू, अच्छी स्पेस दिख रही है इस बॉक्स में। फ्रिज के एरोमा को मेंटेन करने के लिए एक फ्रेश आयोनाइजर दिया गया है। और यह इसके डोर साइड का व्यू, इजी रैक दी गई है, दो इजी रैक, और उसके बाद बॉटल्स को रखने के लिए भी एक बॉटल रैक दिया गया, उसके बाद एक छोटी रैक दी गई है। टोटल 4 रैक्स दिए गए हैं फ्रिज के डोर साइड पे। और यह है इसका क्लोज व्यू। फ्रिज के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेश फ्लो की 2 स्विच दी गई है, इससे एयर फ्लो होती है। कुछ एक्सेसरीज प्रोवाइड की गई, सबसे पहले दिखता है आपको एक ट्रे जिसमें आप एग्स रख सकते हैं। और यह है इसका ऑपरेटिंग मैनुअल, क्विक इंस्टॉलेशन के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इसको रेफर कर सकते हैं। साथ में प्रोवाइड किया गया है यूज़र मैनुअल एंड वारंटी पेपर। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि फ्रिज की कंप्लीट डिटेल्स को जानने के लिए आप इस मैनुअल को रेफ़र करें। और अगर आपकी कोई भी क्लेरिफिकेशन हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगा उस कमेंट के ऊपर जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। साथ में एक आइस ट्रे दिया गया है जो फ्रीजर में यूज़ होगा, कुछ इस तरह से आप इसे रोटेट कर सकते हैं और आइस को आप नीचे वाली ट्रे से कलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी वर्लपूल कंपनी की रिसेंटली लॉन्च की गई 235 लीटर्स की डबल डोर फ्रिज की डिटेल्स। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और जानकारी मिली होगी एक वर्लपूल के नए फ्रिज के मॉडल के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।